मैं एक एचयू का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पीपीटी के लिए। तो मैं एचयू के बारे में बताता हूँ। एचयू एक एयर हैंडलिंग यूनिट होती है, जिसको हिंदी में हम हवा को कंट्रोल करने की इकाई बोलते हैं। इसमें नीचे अपना चिलिंग प्लांट लगा होता है, जिससे ठंडा पानी आता है और फिर वो हम फ्लोर में भेजते हैं, हवा को ठंडा करके फ्लोर में भेजते हैं। जो ठंडा पानी आता है वो कूलिंग कॉइल में घूमता है और फिर रिटर्न नीचे ही चला जाता है। वो ऐसे ही सर्कुलेट करता रहता है। एचयू में ब्लोअर लगा होता है, मोटर लगी होती है, मोटर ब्लोअर को घुमाती है, जो फ्रेश हवा को खींचता है, फ्रेश हवा और रिटर्न जो फ्लोर में हवा होती है उसको खींचता है और ठंडा करके हवा को फ्लोर में भेज देता है। उसके लिए कुछ पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे ये पैनल है जिसको VFD पैनल बोलते हैं। इसके अंदर VFD लगी होती है, जो ऑटो मैनुअल दोनों तरह से एचयू को कंट्रोल करती है। ये चलाने का काम करती है, बंद करने का काम करती है। आप ऑटो में है, मैनुअल में, कैसे भी तरह से इसको चला सकते हैं। ये इसका दरवाज़ा होता है, इसकी सेफ्टी भी लगी होती है, इसको लिमिट स्विच बोलते हैं। इसको ये जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है लाइट ऑन हो जाती है और एचयू बंद हो जाता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है एचयू चल जाता है। यदि हमने कवर को खोल के रखा है तो एचयू चलेगा नहीं, इसकी लाइट ऑन होगी। इसका मतलब ये सेफ्टी का काम करती हैं। ये मोटर होती है, ये ब्लोअर होता है, वी बेल्ट से कनेक्ट होता है, ये ऐसे घूमता है। ये इसके अंदर फिन्स लगी होती हैं, जिसके अंदर से ठंडा पानी घूमता है। इसके अंदर यहाँ से ये जो कनेक्ट है, यहाँ से एयर फ्लोर के अंदर जाती है। ये डक्ट बनी होती है, डक्ट के थ्रू फ्लोर में एयर चली जाती है और फ्लोर से जो एयर आती है वो ऐसे आती है, फायर डैम्परों के थ्रू आती है। और ये अपना फ्रेश एयर का बना होता है। फ्रेश एयर इसलिए मिक्स करनी पड़ती है क्योंकि फ्लोर पे जो हवा फ्लोर की ही घूमती रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे लोगों में सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए फ्रेश एयर मिक्स की जाती है। फ्रेश एयर से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है और वो आराम से सांस भी ले सकते हैं और अच्छी हवा, दुर्गंध भी नहीं आती है हवा वगैरह में पसीने की। इसमें जो पार्ट्स लगे होते हैं उसकी, ये फिल्टर लगे होते हैं, प्री फिल्टर बोलते हैं इनको। एयर फिल्टर भी लगे होते हैं, फिल्टर दो तीन तरह के लगे होते हैं। ये प्री फिल्टर हैं, इसके हमारे पास नहीं है, लेकिन एक एयर फिल्टर भी लगे होते हैं। ये सप्लाई है, जो एरो का नीचे की तरफ निशान है, जो चिलर प्लांट से पानी की सप्लाई आ रही है ठंडे पानी की। ये आउटलेट है उसकी, आउटलेट मतलब वापस जो घूम के कॉइल से पानी जा रहा है। इनके अंदर गेज लगे होते हैं, थर्मोस्टेट लगा होता है, वाल लगे होते हैं, बटरफ्लाई वाल लगे होते हैं। ये स्टैनर होता है, स्टैनर हमेशा इनलेट में लगता है ताकि कुछ थोड़ा बहुत कचरा वचरा हो तो स्टैनर में ही रह जाए वो। और ये मोटराइज वाल लगा होता है जो BMS के थ्रू कंट्रोल करता है पानी की सप्लाई को, कम ज़्यादा जो भी हमें करना होता है। ये कंट्रोल होता है, कंट्रोलर होता है इसका, वाल का। ये डैम्पर होते हैं रिटर्न सप्लाई के लिए। ये इनके कंट्रोलर होते हैं, फायर होने पर ये इनमें रेड सिग्नल आ जाता है, ये इनको डैम्परों को और एचयू को बंद कर देते हैं, जिससे हमारा एचयू बंद हो जाता है फायर होने पर, वरना ये कंटिन्यू चलता रहता है जैसा आप मैनुअल चलाएं या ऑटो में चलाएं, जो भी आप चलाएं। ये सब इनके अंदर एचयू में लगा होता है। ये डक्ट बनी है, वो स्मोक डिटेक्टर लगा है ऊपर, फायर होने पर हमें वो BMS में पता चलता है उसका कि यहाँ पे फायर होगी, एचयू बंद हो जाता है, अलार्म चली जाती है वहाँ पे। ज़्यादातर एचयू BMS से कंट्रोल किए जाते हैं, कुछ मैनुअल भी कंट्रोल किए जाते हैं। BMS से कंट्रोल होने पर ये पता चल जाता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है सारा कुछ। ये गेज और थर्मो स्टेट दोनों लाइन में लगे होते हैं, इनलेट और आउटलेट दोनों में होते हैं, वाल भी दोनों में होते हैं। वाल का काम है कि जब हम इसमें कोई काम कर रहे हो, पानी की सप्लाई बंद करनी हो तो वाल को बंद कर देते हैं, फिल्टर टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना। ये कॉइल है, इसके अंदर फिल्टर साफ करने से धूल मिट्टी नहीं जाती है फ्लोर में। PPM
बहुत जरूरी है, ये कार्ड लगा है इसका, हिस्ट्री कार्ड बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर हम इसका मेन जो भी काम होता है वो फिल करना पड़ता है, ताकि हमें रिकॉर्ड पता चलता रहे इसका कि हमने कब क्या काम किया था, कोई वेंडर ने किया था या हमने किया था, या पीपीएम हुआ था तो कब हुआ था, इसका लास्ट मेंटेनेंस कब हुआ था, क्या बदला गया था। इस तरह हिस्ट्री कार्ड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये इसमें लाइट लगी होती है जो हमें काम करने में सुविधा होती थी। ये कैनवास होता है, कैनवास डक्ट में इसलिए लगाते हैं ताकि ये वाइब्रेट होने पे कुछ टूटे ना। कैनवास कपड़े का भी होता है, ये रबर टाइप का भी होता है, जल्दी फटता नहीं है। इसमें एक ड्रेन लाइन भी दी होती है, ड्रेन लाइन का काम है जो फालतू का पानी होता है वो ड्रेन के थ्रू चला जाता है। यहाँ थोड़ा अंधेरा है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, यहाँ ड्रेन लाइन है इसकी। ये अपना पूरा एचयू है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जो मेरे से बन पड़ा। हो सकता है कुछ कमी रह गई हो तो आप एचयू में जाके आराम से समझ भी सकते हैं। एचयू तो ज़्यादातर ऑफिसों में लगे ही रहते हैं। ये डैम्पर है, मेरे ख्याल से कुछ रहा नहीं, फिर भी यदि रह गया होगा तो मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।